वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 31 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है तेजस के बारे में। तेजस जिसके माध्यम से आप 250+ आवर्स के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनके जरिए आप अपनी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एनसीईआरटी की क्लासेस इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी एंड एलिमिनेशन मेथड को इंक्लूड करते हुए क्लासेस आपकी तैयार की गई हैं। इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट का भी प्रावधान किया गया है। फर्दर डेडिकेटेड मेंटरशिप तो इसका हिस्सा रहेगा ही। आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं video.onlyis.in पे या फिर कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyis.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि रिलीजियस साइंस के विजिट के ऊपर जो प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में है। बेसिकली ये आर्टिकल है प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स 1974। इंडिया ने अभी हाल ही में ये कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो। किस बारे में? ताकि 1974 का ये जो प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम एयर ट्रेवल अलाउ करते हैं जो श्राइन्स हैं पिलग्रिम्स की इंडिया में और पाकिस्तान में उसके बारे में, ताकि दोनों ही कंट्रीज़ की जो पिलग्रिम्स हैं वो एक दूसरे देशों में जाकर विजिट कर सकें। पिलग्रिम्स का मतलब ऐसे लोगों से होता है जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं किसी भी रिलीजियस प्लेस पर। देखिए जो प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस साइंस 1974 है ये काइंड ऑफ एग्रीमेंट है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट है जिसे इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में साइन किया था। इसके माध्यम से इंडियन और पाकिस्तानी नेशनल्स को दोनों ही देशों के कुछ रिलीजियस साइंस पर विजिट करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। एज वी नो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के विजिट्स पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से। नवंबर 2018 में 15 लोकेशंस ऐसी थी पाकिस्तान की जहां पर इंडियंस विजिट कर सकते थे और भारत में ऐसी 5 लोकेशंस थी जहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स विजिट कर सकते थे। जो पिलग्रिमेज है या उसकी जो विजिट है वो कंट्री में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अलाउ की जाएगी। जो भी रिलीजियस सेक्ट के लोग उस श्राइन पर आना चाहते हैं उनके संबंध में बात की जा रही है। जो श्राइन्स की लिस्ट है उसे फाइनलाइज किया जाता है आपस में एक कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से, कम्युनिकेशन या पत्राचार के माध्यम से। जो लिस्ट होती है उसे समय समय पे बदला भी जाता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के माध्यम से। साल में 20 पार्टीज़ को अलाउ किया जाता है कि वो विजिट कर सकते हैं। समय समय पे इस लिस्ट को भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो एफर्ट है उनको लगातार किया जा रहा है ताकि रिलीजियस प्लेसेस को इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो प्रॉपरली मेंटेन रहें और उनकी जो पवित्रता है यानी कि सेंक्टिटी है वो बनी रहे। जो विजिटर्स हैं उन्हें विजिटर कैटेगरी वीज़ा दिया जाता है ताकि वो आसानी से विजिट कर सकें। भारत में वो कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स विजिट कर सकते हैं? पहला है अजमेर शरीफ दरगाह। ये सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि अजमेर में है राजस्थान में। दूसरी है निजामुद्दीन दरगाह, निजामुद्दीन औलिया को डेडिकेटेड है दिल्ली में। अमीर खुसरो, ये सूफी म्यूजिशियन अमीर खुसरो जी रहे दिल्ली में, यहाँ पर ये लोकेशन है सिचुएटेड जहाँ पर विजिट किया जा सकता है पाकिस्तानी नेशनल्स के द्वारा। सरहिंद शरीफ पंजाब इंडिया और कल्यार शरीफ जो कि हरिद्वार में है। तो ये जो लोकेशंस हैं यहाँ पर पाकिस्तानी नेशनल्स विजिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नाइपर रिसर्च पोर्टल के बारे में है। वैसे पोर्टल वगैरह कम इम्पॉर्टेंट होते हैं बट यहाँ पर हमें जानकारी नाइपर के बारे में भी लेनी है इसलिए हम इस पोर्टल पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल यानी कि नाइपर रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? ये एक पोर्टल है, मतलब यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स इकट्ठा होकर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। इसके माध्यम से बेसिकली जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, जो पेटेंट्स फाइल किए जाते हैं किसी मेडिसिन के ऊपर या पब्लिकेशन की कोई इन्फॉर्मेशन है उसको एक जगह पे इकट्ठा प्राप्त किया जा सकता है सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से। ये पोर्टल्स रिसर्चर्स को मदद भी करेगा कि वो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्टैक्ट कर सकें, फर्दर उनके पास अच्छी जानकारी आ जाएगी और जो रिसर्च एक्टिविटी है उसे भी बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं नाइपर के बारे में। नाइपर बेसिकली इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ये उनमें से एक होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्रीज ग्रांट किया करते हैं फार्मास्यूटिकल के फील्ड में। वर्तमान में भारत में 7 नाइपर फंक्शनिंग हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत वर्क करते हैं। जो पहला नाइपर है उसे 1998 में नाइपर एक्ट ऑफ 1998 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद नाइपर एक्ट 1998 को अमेंड करके 6 नए नाइपर स्टैब्लिश किए गए, हाजीपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायबरेली, गुवाहाटी और कोलकाता में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नियोकोव के बारे में है। नियोकोव, चाइना के साइंटिस्ट ने एक बार फिर से दुनिया को वॉर्न किया है
कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पांव पसारने वाला है जिसका नाम होगा नियोकोव। ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि मर्स कोरोना वायरस से रिलेटेड होगा। देखिए जो कोरोना वायरस की फैमिली है उसे आप दो तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं, एक तो मर्स और दूसरा सार्स। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट, ये देखिए जो सार्स है दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और दूसरा है मर्स यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये जो नियोकोव है वो मर्स से रिलेटेड होगा। कोरोना वायरस की बेसिकली फैमिली है, इनका अपना बहुत बड़ा परिवार है और उसी परिवार में से लोग निकल निकल के तबाही मचाते रहते हैं। जो नियोकोव है बेसिकली ये बैट कोरोना वायरस है, मतलब चमगादड़ से फैलने वाला एक कोरोना वायरस है जिसे फॉर द फर्स्ट टाइम 2011 में आइडेंटिफाई किया गया था। इसे नाम नियोकोव दे रहे हैं, ये इसलिए नहीं है बिकॉज ये नया है, दैट्स वाई न्यू। बेसिकली होता क्या था कि एक बैट है जिसका नाम हुआ करता था न्यूरोमीसिया। जो न्यूरोमीसिया बैट की स्पीसीज है उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इस नियोकोव को आइडेंटिफाई किया गया था, एंड दैट वॉज द रीजन कि इसे नियोकोव नाम दे दिया गया। कॉमनली इसे एलियोबैट भी कहा जाता है। नियोकोव 85% सिमिलरिटी रखता है मर्स कोव के साथ। देखिए है तो वैसे एक उसी फैमिली का, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे लेकिन जैसे कि हम कह रहे हैं ये रिलेटेड है मर्स कोव से, उससे जुड़ा हुआ है। जीनोम सिक्वेंसिंग इसकी मर्स कोव जैसी ही होती है, दैट्स वाई इसे कहा जाता है कि ये मर्स कोव के काफ़ी नज़दीक है। जो नियोकोव है इसके पास ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट होती है मर्स कोव की तुलना में, मतलब उससे जुड़ा हुआ जरूर है लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा काबिल है, लोगों को ज़्यादा मार सकता है, और इससे होने पर 3 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हाई ट्रांसमिशन रेट भी है, मतलब सार्स कोव 2 कोरोना वायरस जो काफ़ी तबाही अभी हाल फिलहाल में मचाता रहा है ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट होता है, मतलब कि एक खतरनाक वेरियंट हमारे सामने आने की संभावना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, ACE2 एक टर्म किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में रहा, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शंस में हमें बताया गया था जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, दूसरा था इंडिया अपना ओन खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑप्ट कर रहा है, ये उसका नाम है, उससे संबंधित है। ये रेडियो कॉलर्स हैं वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के लिए या फिर वायरल डिसीज के स्प्रेड से रिलेटेड है। इसका जवाब मैं सोच तो रहा हूँ बता दूँ बट मेरा मन नहीं कर रहा, तो आप इसका जवाब मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार के बारे में है। साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में कुछ डिटेक्ट किया है जो किसी बहुत ही डेंस स्टार जैसा है, बहुत ज़्यादा डेंस स्टार। ये कुछ और तो नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये कोई एग्जॉटिक एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा जिसके एग्जिस्टेंस को लेकर अभी तक केवल हाइपोथेसिस ही क्रिएट किए गए हैं। इनके ऑब्जेक्ट को लेकर हम बहुत अश्योर्ड अभी तक भी नहीं रहे हैं। मतलब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हमने मर्केशन वाइल्ड फील्ड एरे टेलीस्कोप्स के माध्यम से डिटेक्ट किया है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड एक टेलीस्कोप है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हर घंटे में 3 बार एनर्जी का बर्स्ट रिलीज कर रहा है। 2018 में 2 महीनों तक लगातार इसे ओवरव्यू किया गया, देखा गया। मैं आपको बता दूं ये है एक मैग्नेटार। मैग्नेटार तो वैसे कई सारे डिटेक्ट इसके पहले भी किए जा चुके हैं लेकिन इसे कहा जा रहा है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार, यानी कि काफी लंबे समय तक इसके बर्स्ट को डिटेक्ट किया गया है। ये न्यूट्रॉन स्टार की एक वैरायटी है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं? जब एक स्टार अपने खुद के अपनी लाइफ साइकिल को जब वो कंप्लीट कर लेता है तो वो अपनी खुद की ग्रेविटी की वजह से अपने ऊपर ही गिर के ब्लास्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो स्टार क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। ये ओरिजिनल स्टार की तुलना में बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इनका ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये एक कोलैप्स्ड कोर से बना हुआ मैसिव स्टार होता है जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद तैयार होता है। मैंने आपको बताया जब वो एक्सप्लोड होते हैं तो उस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। ये हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं और रिलेटिवली धीमे रोटेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। जो फास्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं उन्हें पल्सर कहा जाता है। नॉर्मली जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो धीमे ही रोटेट करते हैं और जो पल्सर्स होते हैं वो बहुत ब्लिंक करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ की तरह, मिली सेकेंड्स के बेसिस पर अगर हम अर्थ से उन्हें देखते हैं। तो ये जो मैग्नेटार्स होते हैं ये कॉस्मिक टर्म्स में अर्थ के नज़दीक पाए जाते हैं, दूर नहीं होते, मतलब 4200 लाइट ईयर में आपको मिल जाएंगे। आप लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करोगे तो 4200 साल में पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस को एक लाइट ईयर कहा जाता है, मतलब लाइट एक साल में इतना ट्रेवल कर लेती है। तो जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं
जिनमें पल्सर्स भी आ जाते हैं, वो यूनिवर्स के डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। बहुत बड़े नहीं होते, 12 किलोमीटर इनका डायमीटर अप्रॉक्स होता है, एक शहर जितना इनका साइज होता है, लेकिन इनका मास सूर्य से भी ज़्यादा भारी होता है। न्यूट्रॉन स्टार के बाद होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं, और जो मैग्नेटार होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारे सन की तुलना में तो बिलियंस ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटार्स के पास होता है। एंड दैट्स वाई ये रेडियो पल्सेशन भी क्रिएट करते रहे, जो पल्स निकलती रहती है, जो अभी हम कह रहे थे कि एक घंटे में 3 बार इनकी पल्स को डिटेक्ट किया जा रहा है, तो ये पल्स रिलीज करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के बारे में है। SPG को भी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, जब से पंजाब का सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, PM की सिक्योरिटी में जो ब्रीच हुई है, उसके बाद से SPG लगातार न्यूज़ में रहता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर्स का एक पैनल भी बनाया है इस पूरे मुद्दे को ओवरसी करने के लिए। SPG के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं ताकि प्रश्न आए तो हम सहूलियत के साथ कर सकें। SPG को 1985 में बनाया गया था, यद्यपि इसके पहले एक कमेटी आई थी, उनकी रिकमेंडेशन पे इन्हें बना दिया गया था, लेकिन इनकी पावर्स के लिए एक्ट उसके बाद आया। तो 1985 में SPG बना एक स्पेशलाइज्ड आर्म फोर्स के रूप में, जिसका काम था हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करना। इनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप PM को प्रोटेक्ट करिए और कुछ मत करिए। इनका मोटो है ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड सिक्योरिटी। इसे क्रिएट किया गया था बीरबल नाथ कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1985 में। आई रिपीट, जो रिकमेंडेशन रही वो रही बीरबल नाथ कमेटी की, और इनकी पावर्स एंड अथॉरिटीज को तैयार करने के लिए बाद में एक कानून भी लाया गया, एंड दैट वाज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट ऑफ 1988। इसमें जो भी ऑफिसर इसे लीड करते हैं, मतलब SPG को लीड करने वाले जो इंडिविजुअल होते हैं, वो इंडियन पुलिस सर्विस के रैंक के एक ऑफिसर होते हैं, जिनकी रैंक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से नीचे नहीं होनी चाहिए। बाकी फोर्सेस की तरह SPG रिपब्लिक डे की परेड में कभी भी हिस्सा नहीं लेती। इनकी जो ये लगातार कोऑर्डिनेट करते रहते हैं जो अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जैसे कि जो IB है, रॉ है, स्टेट्स एंड यूनियन UTs की जो पुलिस है, उनके साथ लगातार ये कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो प्रोटेक्टी हैं या PM है उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। SPG को इसीलिए उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें उनकी सर्विस के रिटायरमेंट के बाद भी RTI एक्ट से बाहर रखा गया है, मतलब उनसे कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं की जा सकती कि आखिर PM को कैसे सिक्योर किया जाता है। बाई लॉ जो SPG जिनको प्रोटेक्ट करती है उन्हें कई तरीके की सहूलियतें मिलती हैं, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने वाली एंटिटी SPG है तो वो किसी भी एयरपोर्ट पे बिना स्क्रीनिंग के जाते हैं। अब पहले से SPG उनकी प्रोटेक्शन में, आप उनकी क्या चेकिंग करेंगे? एयरपोर्ट्स ये अथॉरिटी देता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनको, जो प्रोटेक्टी हैं वो VIP लॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में बिना सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के जा सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें डायरेक्टली कभी रिक्रूट नहीं किया जाता, बल्कि वो RPF, CAPF, CISF, BSF, SSB, CRPF, ITBP या NSG में से ही ड्रॉ किए जाते हैं, और AR असम राइफल्स में से भी लिए जाते हैं। SPG के जो पर्सनल्स होते हैं उन्हें ट्रेन कैसे करते हैं? उनके ट्रेन करने का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ होता है कि वो फिजिकली टफ और मेंटली अलर्ट रहें, मैच्योर रहें, कॉन्फिडेंट रहें और कर्टियस रहें, यानी कि शिष्ट रहें, उनसे जो कहा जाए वो करें। जो SPG के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि चाहे उन्हें जितना ही प्रोवोक क्यों ना किया जाए वो शांत बने रहें और आत्मसंयम को बनाए रखें। वो एक्सट्रीम कंडीशन में, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन हो, उसको बेयर कर सकते हैं, इसीलिए वो अक्सर मॉक अटैक्स को हैंडल करते रहते हैं। स्प्लिट ऑफ सेकंड के माध्यम से वो पूरे चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर या जो भी प्रोटेक्टी है उनकी बॉडी को कवर करना, डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना और जो प्रोटेक्टी हैं उन्हें बचाना, इन दैट केस वो बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। तीसरा कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी उनके पास होती है, चूंकि वो बहुत ही पॉपुलर लीडर होते हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उन्हें इस तरीके से भी ट्रेन किया जाता है कि वो पर्सनैलिटी जब लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तब उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है। इन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेकर SPG वर्क करती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओरल कैंसर के बारे में है। IIT खड़गपुर के साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में एक पोर्टेबल, यूजर फ्रेंडली और नॉन इन्वेजिव डिवाइस तैयार की है, जिसके माध्यम से हम ओरल कैंसर को डिटेक्ट कर सकें। क्या है ओरल कैंसर? ओरल कैंसर को आप बोलचाल की भाषा में माउथ कैंसर या फिर मुंह में होने वाला कैंसर भी कहते हैं। इसमें लिप्स, माउथ या अपर थ्रोट में कैंसर देखा जाता है। ओरल कैंसर मॉर्बिडिटी यानी कि बीमारी और मोर्टेलिटी यानी कि मौत के मामले में बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉज बना हुआ है, ऐसे सेगमेंट में जो सोशली चैलेंज्ड हैं या फिर अंडर सर्व्ड हैं। 80% चांसेस होते हैं कि एक व्यक्ति जिसको ओरल कैंसर हुआ है वो 5 सालों में अपनी जान गंवा देगा, और वो भी तब जब उसे शुरुआती स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाए। अगर डायग्नोस्टिक और लेट हुआ तो 65% चांसेस होते हैं कि उसकी मौत हो जाएगी। सच्चाई तो ये है कि जो ओरल कैंसर होता है वो अपने जो एडवांस स्टेज होता है तभी डायग्नोज किया जा सकता है। जब तक पता चलता है कि कैंसर हो चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन दैट केस पेशेंट की जान बचा पाना बहुत मुश्किल होता है।
ओरल कैंसर को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके अर्ली स्टेज में, इसीलिए लो कॉस्ट हैंड हेल्ड इमेजिंग डिवाइस तैयार की गई है। ये ब्लड फ्लो रेट को जो टिश्यूज़ में है उन्हें डिटेक्ट करते हैं थर्मल इमेजिंग और एनालिटिक्स के माध्यम से, और पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ओरल कैंसर तो नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लाला जी के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में उनकी जयंती पर उन्हें याद किया। लाला लाजपत राय जी का जन्म पंजाब के लुधियाना में दुधके के नज़दीक में हुआ था 1865 में। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई की, लॉ की। वो दयानंद सरस्वती के फॉलोअर रहे थे जिन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया। INC को उन्होंने महज 16 वर्ष की आयु में ही ज्वाइन कर लिया था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल 1885 में इन्होंने लाहौर में इसे इस्टेब्लिश किया। हिंदू रिलीफ मूवमेंट 1987 में उन्होंने इसे स्टार्ट किया ताकि जो लोग फोमाइन से प्रभावित हैं उन्हें सर्व किया जा सके और वो मिशनरीज के ट्रैप में ना आ जाएं। स्वदेशी मूवमेंट में लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी के साथ मिलकर इन्होंने स्वदेशी गुड्स और मास एजिटेशन को एडवोकेट किया। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे 1906 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन्होंने 1917 में न्यूयॉर्क सिटी में स्टैब्लिश किया ताकि वहाँ पे लोगों को इंडियन कॉज के लिए सेंसिटाइज किया जा सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC को इन्होंने 1920 में लीड किया जब इन्हें एक स्पेशल सेशन में प्रेसिडेंट चुना गया। स्पेशल सेशन जो कोलकाता में हुआ था जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। साइमन कमीशन 1928 में आया। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिव्यू करने के लिए आया था। ये 7 मेंबर्स का एक पैनल था जिसमें कोई भी इंडियन नहीं था, एंड दैट वाज द रीजन कि लाला जी ने इसका विरोध किया। और यहीं पर जो एक टारगेटेड लाठीचार्ज था उसमें लाला जी की मौत भी हो गई थी। इनके जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें शामिल हैं यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज विल टू फ्रीडम, मैसेजेस ऑफ भगवद गीता, पोलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, और एक ट्रेवल लॉग भी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेप्टेमेरेंथस के बारे में है। ये एक पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट है, उसका नया जीनस है। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में इसे डिस्कवर किया गया है। ये जो पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट है इसका रूट स्ट्रक्चर थोड़ा मॉडिफाइड होता है, जहाँ पर आपको इसके स्टेम्स में ही रूट्स देखने को मिल जाती हैं। जो प्लांट है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के रीजन में पाया जाता है, बेसिकली अंडमान और निकोबार ग्रुप के बीच में जो एक बायोडाइवर्सिटी रीजन है जो 160 किलोमीटर के आसपास का है, वहाँ पर टाइडल फ्लो भी देखने को मिलता है, वहाँ पर ये प्रजाति पाई गई है। जो लीव्स हैं ये हार्ट शेप की होती हैं और इसमें जो इसका आगे का टिप होता है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा। फर्दर इसकी जो ओवरी फ्रूट या सीड्स होते हैं वो अर्दन पॉट शेप के होते हैं, मतलब घड़े की तरह होते हैं। जो नेम है सेप्टेमेरेंथस ये लैटिन वर्ड सेप्टम से निकला है जिसका मतलब होता है सात। ये इसके फ्लावर के अरेंजमेंट के बेसिस पे नाम दिया गया है। 7 फ्लावर्स के क्रम में इसे देखा जाता है। एक प्रश्न है यहाँ पर, 2019 में ये प्रश्न पूछा था UPSC ने कि हिमालयन नेटल जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा है, ये अवेयरनेस फैलाने के पर्पज से देखा जा रहा है इसकी इंपॉर्टेंस को, ये एक सस्टेनेबल सोर्स किस चीज़ के लिए माना जा रहा है। ऑप्शन थे एंटी मलेरियल ड्रग, बायोडीजल, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल फाइबर। इसका जवाब बताऊं या ना बताऊं? देखिए, एक का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया नहीं है, उसका आपको बताना है। इसका मैं बता देता हूं, टेक्सटाइल फाइबर के लिए ये सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एक मींस माना जा रहा है, ठीक है। रिविजन करते हैं। सेप्टेमेरेंथस नया जीनस है पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट का, वेस्टर्न घाट में मिला। गलत है निकोबार, बताया था ना, तो ये तो गलत हो गया। ये है नाइपर के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, दैट्स ट्रू। नियोकोब कोरोना वायरस, पैट कोरोना वायरस जो है एक काइंड ऑफ है, 2011 में फॉर द फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया, सही है। SPG 1963 में बनाया गया संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, गलत है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसे बनाया गया था बीरबल नाथ कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1985 में। इसका एक्ट बाद में आया था, बन पहले गया था। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क सिटी 1917, बाल गंगाधर तिलक, गलत है। ये लाला लाजपत राय जी का है तो ये भी गलत हो गया। सेशन की PDF ओनली एस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जाइएगा चैनल को ज्वाइन करिएगा, PDF को डाउनलोड करके रिविजन करिएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त, बहुत बहुत धन्यवाद।